तो गाइस मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रसल अभी। तो भाई रैंडी ओटन के रिटर्न से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ आई है। आप कुछ भी मान सकते हो कि रैंडी ओटन रिटर्न कब करेंगे, इसकी अब कोई भी डेट फिक्स नहीं है। वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सारे लोग जो भी चैनल पर नए हो तो भाई अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बात करते हैं हम लोग रैंडी ओटन के बारे में। तो भाई रैंडी ओटन से रिलेटेड अभी फाइटफुल ने एक रिपोर्ट दी कि रैंडी ओटन इसलिए रिटर्न नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको WWE के डॉक्टर ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। हाँ गाइस, WWE के डॉक्टर ने रैंडी ओटन को अभी तक अनफिट बता रखा है एंड जब तक WWE के डॉक्टर रैंडी ओटन को क्लियर नहीं करेंगे तब तक रैंडी ओटन परफॉर्मेंस सेंटर में भी नहीं आ सकते एंड परफॉर्मेंस सेंटर में भी नहीं आ सकते तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते एंड जब तक उनकी ट्रेनिंग या डॉक्टर क्लियर नहीं करेंगे तब तक उनका नाम बैक स्टेज में क्रिएटिव में नहीं जाएगा कि इनके लिए स्टोरी लाइन पुट करनी है एंड स्टोरी लाइन पुट नहीं होगी तो भाई हमको रैंडी ओटन का रिटर्न भी नहीं देखने को मिलेगा। तो हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसीजर अभी रैंडी ओटन के रिटर्न के लिए रुका पड़ा है। लेकिन भाई अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब समर स्लैम आने वाला था तो समर स्लैम का एक या दो दिन पहले एक रिपोर्ट आ रही थी कि रैंडी ओटन पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं परफॉर्मेंस सेंटर में, वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो वो रिपोर्ट सच थी या ये रिपोर्ट सच है अभी कुछ नहीं पता, लेकिन फाइटफुल भी काफ़ी अच्छा सोर्स है जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि रैंडी ओटन को अभी तक डॉक्टर ने क्लियर नहीं किया है। जब रैंडी ओटन को डॉक्टर क्लियर कर लेंगे उसके बाद रैंडी ओटन परफॉर्मेंस सेंटर में अपनी ट्रेनिंग के लिए जाएंगे एंड जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी कुछ दिन की उसके बाद उनका नाम क्रिएटिव्स के पास आएगा WWE के बैक स्टेज एंड जब वो रैंडी ओटन के लिए कोई स्टोरी लाइन एंड टाइमिंग देख लेंगे उसके बाद ही रैंडी ओटन अपना टेलीविजन पर रिटर्न करेंगे।